हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में पॉज ट्रेडर्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा, और एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट ने बिहेव किया। उसके बारे में डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। आज आप जाके देख सकते हैं गाइस 5 रुपीज 10 रुपीज की चीज भी आज लगभग लगभग 150 और 200 को टच किया था। ऐसे ही जैकपॉट होते हैं गाइस जो अचीव कर सकते हैं आप। जस्ट आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे आपको ये मौका मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कल हमने डिस्कस किया था ये रेजिस्टेंस एरिया की तरफ बिहेव करेगा, और एग्जैक्टली बिहेव भी किया, डाउनसाइड आया। उसके बाद ये सपोर्टिंग एरिया मैंने आपको बताया भी था, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कॉन्सोलिडेट करने लगा। जैसे रेजिस्टेंस के पास कंटिन्यूअसली कॉन्सोलिडेट करता है ब्रेकआउट के, यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख सकते हैं कितने ज्यादा बायर यहाँ पे डोमिनेंट थे। उसके बाद देख सकते वन साइडेड मोमेंटम मिला, इसको इजीली ब्रेकआउट किए यहाँ पे, उसके बाद रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद किस तरीके से आज मोमेंटम मिला, होप आपने आज ट्रेड किया होगा अच्छा खासा। निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में एक अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। निफ्टी फिफ्टी की मैं थोड़ी सी डीप इन द एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करूंगा, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से फिन निफ्टी का देख सकते हैं, फिन निफ्टी में भी यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई, डाउन साइड आया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड जाने की कोशिश किया, ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी जाता है मैंने आपको बताया अभी तक रेजिस्टेंस एक्ट करता है, रेजिस्टेंस एक्ट के यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन जैसा दिया, उसके बाद देख सकते हैं बाहर कितना डोमिनेंस हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया। सेम ऐसी बैंक निफ्टी ने भी किया है, जैसे फिर निफ्टी ने बिहेव किया था। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट ओपन डाउन साइड, उसके बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ पे, उसके बाद फॉल्स ब्रेकडाउन तो दिया था फिर निफ्टी में। यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए गाइस। जब बैंक हमेशा कोई भी इंडेक्स को कब देखना चाहिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर उसकी एक्सपायरी 2 दिन पहले है, इन द सेंस बैंक निफ्टी की वेनेसडे के दिन है, तो ट्यूसडे के दिन और वेनेसडे के दिन बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से फिन निफ्टी का कल के लिए एक्सपायरी था, तो उस हिसाब से आज के हिसाब से आपको देखना चाहिए। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आप एक ट्रेडर बनेंगे। बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम किया, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे डाउन साइड तो आया, लेकिन जिस हिसाब से फिन निफ्टी ने बिहेव किया था उसी तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे मैं निफ्टी 50 में आपको कुछ छोटे से पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग, डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कंटिन्यूअसली डाउन साइड आया, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसोलिडेट तो किया, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और डाउन साइड आने की कोशिश किया, लेकिन मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन है, जैसी इसका एक बढ़िया सा यहाँ पे बार डोमिनेंसी दिखने मिला, उसके बाद यहाँ पे अभी कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया, क्या बताया, आप जरूर से जाके देखिएगा इस प्रीवियस जो कल से पहले मैंने फ्राइडे के दिन वीडियो भी डाला, तो वहां पे भी आपको बताया था कि जब भी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट चलता है तब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो भी है, ये सारे इंडेक्स एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करते हैं। अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट थोड़ा सा साइडवेज की तरफ बिहेव करता है, तो ये कुछ बैंक निफ्टी हो जाए या चाहे निफ्टी हो जाए, सेंसेक्स हो जाए, कोई भी एक ट्रेंडी मार्केट दिखाने की कोशिश करता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। मैंने हर एक चीज छोटी छोटी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग डाउन साइड आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश, अपसाइड गया, यहाँ पे एम पैटर्न में ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन यहाँ पे बायर डोमिनेंसी देखने मिली। जिस हिसाब से फिर निफ्टी ने आज मोमेंटम किया था, सेम सारे ही इंडेक्स में बिहेव किया। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट एक ऐसा इंडेक्स था जिसने कि एक आउट परफॉर्म किया, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट साइडवेज जाता है तब ये कुछ इंडेक्स होंगे जो ट्रेंडी मार्केट दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे साइडवेज चलते रहे और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर एक मार्केट मोमेंटम कर रहा है अपसाइड या फिर डाउन साइड, तो ये वाली चीज़ हाईली एक्सपेक्टेड हो जाती है कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे ही एक साइडवेज मार्केट की तरह चलते हैं। तो आज देख सकते हैं एक साइडवेज मार्केट की तरह सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी चला, लेकिन निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने एक ट्रेंडी दे दिखाया। और होप आपने आज ट्रेड किया होगा 5 रुपीज़ की चीज़ 150 और 10
15 रुपीज की चीज ऑलमोस्ट 200 तक टच किया। होप आपने ट्रेड किया होगा। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत थी, तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। होप आपको ये क्लियरिटी आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो जरूर से बताइए गाइस। चलिए गाइस, कल कहां पे मार्केट मोमेंटम करेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस हम सबसे पहले निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तो ये एक सपोर्टिंग एरिया की तरह अब एक्ट करने लगेगा। यहाँ पे भी सपोर्टिंग एरिया है, लेकिन सबसे पहले याद रखिए गाइस, ये एरिया जो है ना वो क्रूशियल है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना तो ईजिली आप डाउन साइड के लिए यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनली मेड टारगेट लेके जा सकते हैं। अगर अपसाइड के लिए देखा जाए तो याद रखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है ना, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनली मेड टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं फिर निफ्टी में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एरिया जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट कर देगा, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड इमीडिएट टारगेट ही होगा और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लिखे जा सकते हैं गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। अब मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है ना तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ही हो जाएगा और सेकेंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए फिर निफ्टी में लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कल प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके से मोमेंटम करता है ना, उस तरीके से आप चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस कल के दिन। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरिया जो है ना वो एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा कल के दिन। अगर इसका ब्रेकआउट होता है थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद, तो इजीली आप फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहां तक लेके जा सकते हैं, उसके बाद सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए आते हैं तो सबसे पहले याद रखिए ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना, उसके बाद ही आप फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट बैंक निफ्टी में लेके जा सकते हैं। निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस, निफ्टी 50 किस तरीके से वर्क करेगा। ऑलरेडी यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है अभी। अगर इसका ब्रेकआउट होता है गाइस तो थोड़ा सा रुक जाइए गाइस, इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद आप इजीली फर्स्ट सेकंड और उसके बाद अपसाइड के लिए लेके जा सकते हैं। अगर यहां पे कहीं पे यहाँ से डाउनसाइड आने लगता है ना, तो इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है जी, सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे बहुत क्रूशियली वर्क कर रहा है गाइस मार्केट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइस किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है मार्केट, तो इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा ना गाइस, तो ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे डाउनसाइड आता है ना, तो उसके बाद आपको क्या देखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे गाइस, कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। अगर यहाँ पे डाउनसाइड के लिए आता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से देख के चल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज जरूर से कमेंट करके जरूर से बताइए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।